हर रोज की तरह पानीपत गैस प्लांट से बल्ला के रहने वाले दोनों भाई अपना काम निपटाकर वापस गांव बल्ला जा रहे थे कि अचानक गैस प्लांट के पास अज्ञात वाहन ने दोनों को सीधी टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी है। ये गुड़ा गैस प्लांट से आ रहे थे संदीप और इसका ब्रदर, तो रास्ते में एक अननोन ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। ये प्रेम हॉस्पिटल में ले गए, प्रेम हॉस्पिटल में संदीप की डेथ हो गई, इसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गया, मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई कर दी। तो अभी तक क्या है? ट्रक ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चला, वो खराब। तो दूसरे की क्या कंडीशन है सर? है जी, दूसरे की क्या कंडीशन है? वो दूसरा है जो वो ठीक है, ब्रदर है वो ठीक है। ये दो लड़के थे जो हमारे भाई हैं, ये कूड़ा गैस प्लांट से आकर और दलाने पुल के पास आए थे, उधर से सामने से आने वाले ट्रक ने उनको सीधी टक्कर मारी, जिससे उनमें से एक लड़के की मौत हो गई है, एक अभी हॉस्पिटल में है जिसका इलाज चल रहा है, और ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात हुई है। दोनों सगे भाई थे? दोनों सगे भाई थे। दोनों सगे भाई थे वो। कितनी उम्र की? एक की उम्र थी 25 साल, एक की 23 साल। क्या नाम है थी? एक का नाम संदीप है, एक का नाम नरेंद्र है। मौके पे कौन सी की मौत हुई है? मौके पे संदीप की मौत हुई है। संदीप छोटा था? संदीप छोटा था जी, जो हमारी मोटरसाइकिल को चला रहा था। शादीशुदा है जी। और बड़ी दुख की बात यह है, अभी शादी को एक ही साल हुआ था। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।